स्टूडेंट्स, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जो मॉपअप राउंड का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसमें अभी आपका मेरिट आने वाला है। आज 14th को मेरिट आपका रिलीज हो जाएगा इवनिंग तक। साथ में अभी आपका जो ऑफलाइन में रिपोर्टिंग है वो कैसे होगी, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है जो बच्चे अभी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रॉपर अपडेट आया हुआ है, जिसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चॉइस फिलिंग जो है, कॉलेजेस की फिलिंग कैसे होगी, वहाँ अलॉटमेंट आपको किस बिहाफ पे मिलेगा, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और कब रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, ये भी आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मॉपअप राउंड में काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट हैं, सीट मैट्रिक्स वाला वीडियो भी मैंने बना रखा है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा में जो स्टूडेंट अदर स्टेट्स हैं, आउटसाइड उत्तराखंड के हैं, उनके लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स की वैकेंसी है, किन कॉलेजेस में क्या सीट वैकेंसी है, वो पूरा अपडेट आपको चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आपको चॉइस फिलिंग देनी होगी। चॉइस फिलिंग देखिए क्या है, ये पूरा प्रोसेस इन्होंने ऑफलाइन रखा है, केवल रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है। तो सिमिलरली उसी के रिगार्डिंग ये इन्होंने ऑफिशियल पूरा अपडेट दिया गया है कि यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, साथ साथ में ये पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है, ठीक है। ये फॉर्म आपका रहने वाला है जो कि उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जब आप रिपोर्टिंग पे जाएंगे तब आपको वहाँ पर फिलअप करके पहले से आपको अपने पास में रखना होगा और वो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद वहाँ का जो काउंसलिंग बोर्ड है, काउंसलिंग अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो वहाँ पर एक जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आपके स्कोरिंग के बेसिस पे अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया कोटा में आ रहे हैं, तो आपकी कितनी रैंक बन रही है और आपको कहाँ पे सीट दिया जा सकता है। तो पूरा ऑफलाइन अलॉटमेंट होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में सेम चीज़ ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, जो भी आपका पोर्टल होता है उसके थ्रू होती है। यहाँ पर ये जो अपडेट है, एक बार अपडेट पर नज़र डाल लेते हैं। विश्वविद्यालय में पूर्व निर्गत मॉपअप चरण की विज्ञप्ति, जो आपका एक एडवर्टीजमेंट या नोटिस आया था, उसमें 23/10/2024 को जब मॉपअप राउंड अनाउंस हुआ था, उसका उन्होंने बोला है कि उसके टाइम शेड्यूल को आप जरूर देख लें, किस टाइम पे जाना है, क्या करना है, उसमें काफी कुछ अपडेट्स दे रखी हैं। तो आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मॉपअप चरण 2024 की काउंसलिंग की समय सारणी निर्धारित की गई है, जो आपका पहले शेड्यूल दिया गया है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग में ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों, जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन कैंडिडेट्स ने केवल पहले रजिस्ट्रेशन किया है, वो केवल परमिटेड होंगे, उनको केवल अलाउ किया जाएगा आगे की ऑफलाइन काउंसलिंग में आने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों को उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी रेलवे रोड हर्रावाला देहरादून 16/11/2024, तो यहाँ पर 16 नवंबर को आपको रिपोर्टिंग पे जाना है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कैंपस में। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको चले जाना है। अगर आप इससे लेट में जाते हो तो यहाँ पे उन्होंने बताया तक उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब आने की दशा में अगर आप देर से जाते हो, बाय द वे कहीं से भी आप जाने वाले हो और लेट से आप पहुंचते हो, तो वहाँ पर विलंब आने की दशा में आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एब्सेंट लगाई जाएगी, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो टाइमली आपको पहुँचना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, ये आप एक बार देख लीजिए। ये आपका एक फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। PDF डाउनलोड करो पहले, एक पूरा PDF आप प्रिंटआउट निकालिए, उसमें आपको ये फॉर्म भरना है जिसमें कैंडिडेट नेम, बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए सबमिट कर रहे हो, और इसको आपको लास्ट में सेल्फ अटेस्ट कर देना है। ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंटआउट ले लेना है, जो आपने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो ले लो, 2 फोटोज बोली गई है, लेकिन आप ज्यादा भी फोटोज ले सकते हो ताकि आगे आपका कॉलेज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूज हो जाएगा। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, और इसकी 2-3 फोटोकॉपी आप करा सकते हो। ये आपका 10th वाला जो है वो एज एन एज प्रूफ लगेगा, एज के तौर पे प्रूफ लगेगा, और 12th मार्कशीट भी आपके यहाँ पे लगेगी। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, जो रिवाइज आपका रिवाइज रिजल्ट आया था वो लेटेस्ट वाला रिजल्ट होना चाहिए, जिसके भी आप पे आपकी काउंसलिंग हो रही है। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। सब कैटेगरी, कोई सब कैटेगरी है PWD वगैरह तो वो लगेगा। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अदर स्टेट ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो बिल्कुल भी डोमिसाइल को लेकर कंफ्यूजन नहीं रखना है, केवल उत्तराखंड स्टेट वाले बच्चों से डोमिसाइल मांगा जाएगा। रेस्ट आपकी एक यहाँ पर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या आपका DL होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हो गए। इंपॉर्टेंट है कि अब कॉलेजेस की सर चॉइस फिलिंग, वहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, सीट हमें कैसे ऑफर की जाएगी, चॉइस फिलिंग तो आपने की नहीं है, तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस ये है, सिंपल सा ऑफलाइन है। तो ये आपको फॉर्म यहाँ पर अपने प्रेफरेंस, आप देख सकते हैं प्रेफरेंस फॉर मॉपअप राउंड UA UC UG 2024, ये 16 तारीख के लिए फॉर्म में पूरा लिख दिया है कि 16 के लिए आपका ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर नंबर, नेम का, कॉलेज का नेम,
किस कॉलेज में क्या सीट वैकेंसी है, उसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग पहले से फिलअप करनी है और ये फॉर्म आपको वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये कॉलेजेस की का प्रेफरेंस जो है वो ऑफलाइन बेसिस पे आप यहाँ पे फिलअप करोगे। आप कोर्स का नाम डाल सकते हो, मोस्टली बच्चे बीएमएस के लिए जा रहे होंगे तो बीएमएस आपको लिखना है यहाँ पे। किस कोटा से, आप स्टेट कोटा से हो या ऑल इंडिया कोटा से हो, वो मेंशन होगा। और इधर आपका कुछ ऑफिस यूज के लिए रहेगा जिसमें वो लोग आपको आगे चेक करेंगे कि जो आपने कॉलेज डाला है उसमें आपकी कैटेगरी में सीट अवेलेबल है या नहीं है, आप एलिजिबल हो उस कैटेगरी से या नहीं हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो लोग ऑफिस यूज के लिए लिखा गया है तो वहाँ पर वो चेक किया जाएगा। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होगा जो कि वहाँ पर बोर्ड के पास सबमिट होगा। इसके बाद वहाँ पर पूरा डेटा जो है वो ऑफलाइन में वहाँ की जो टीम है वो कंपाइल करेगी और उसके बेसिस पे आपकी रैंक के बेसिस पे पूरा एक मेरिट लिस्ट बनेगा। ऑल इंडिया कोटा का अलग बनेगा, स्टेट कोटा का अलग बनेगा। देन आपको वहाँ पे आपको अलॉटमेंट ऑफर की जाएगी, अलॉटमेंट ऑफर होगी, आपको वहाँ पर फीस पे करनी होगी। उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग पे जाएंगे और वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करके कॉलेज की जो ट्यूशन फीस या जो भी चार्जेस हैं वो पे करके आपको एडमिशन कंप्लीट कराना होगा। ये आपका उत्तराखंड का मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। तो इस तरीके से अपना आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के टाइमली अपना सेंटर पर रिपोर्ट करें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट हैं। बाकी जिन कैंडिडेट्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, यूपी का जो लास्ट राउंड है, मॉपअप राउंड है, बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। रिवाइज कट ऑफ का भी अपडेट आ चुका है, 15% जो है वो कट ऑफ रिवाइज हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग अभी जो भी स्टूडेंट नए हैं, आप अगर आपने उत्तराखंड में या अभी तक आपका कॉलेज फाइनल नहीं हो पाया या बाय द वे आपको उत्तराखंड में सीट नहीं मिलती है तो यूपी में आप आ सकते हो। लास्ट डेट अभी जो एडमिशन चलेंगे 20 दिसंबर तक, NCISM ने एक डेट दी है 20 दिसंबर तक के आयुष के एडमिशन चलने वाले हैं 2024 सेशन के। तो अभी आपके पास जहाँ जहाँ पे सीटें वैकेंट है हर एक स्टेट में आपके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए अवेलेबल है, कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।